हेलो, क्या मेरी बात कल्पना जी से हो सकती है? नहीं, कल्पना जी तो घर पे नहीं है। मैं उनका हस्बैंड विक्रम त्रिपाठी बोल रहा हूँ। आप कौन? अच्छा, मैं सुधा मिश्रा बोल रही हूँ। एक्चुअल में मैं अपनी बिटिया का इश्तिहार दिया था पेपर में, तो उस सिलसिले में उनसे बात हुई थी मेरी। हाँ, वो बता रही थी। एक्चुअली कल ही उनको लखनऊ जाना पड़ गया किसी खास काम से, पर उन्होंने आपका जिक्र किया था। हमने आपकी बिटिया का प्रोफाइल देखा है, काफी अच्छा है। जी जी, तो भाभी जी, हम कब आपकी बिटिया को देख सकते हैं? कल सैटरडे है ना, कल इवनिंग में मिलते हैं ना? हाँ ठीक है, कल सैटरडे को सचिन का भी ऑफ रहता है, तो हम लोग शाम को आपके घर आ जाते हैं। जी जी, मैं एड्रेस भेज दूंगी आपको। जी जी जी, नमस्ते। हे भगवान, बस ये रिश्ता यहाँ जम जाए। एक तो मेरी बेटी मांगलिक, ऊपर से फली कम फूली ज्यादा। देविका, हे भगवान, जब देखो ये लैपटॉप पर बैठी रहती है। कल सैटरडे है ना? नहीं, मैं मंडे करा दूं। ये जोक था, हंसना है मुझे? नहीं, थोड़ा हंसी लिया करो। मजाक करने का टाइम नहीं है, कल तेरी छुट्टी है ना बेटा? यस मॉम, मेरी कल छुट्टी है, क्या बात है? कल ना तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो अच्छे से तैयार होना, सलीके से चलना बैठना, है ना? बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता मिला है बेटा। बहुत ही अच्छा है। आपको कैसे पता? अच्छा है तो तुझे पता है। हाँ, इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, बस ये रिश्ता यहाँ पक्का हो जाए भगवान। ठीक है ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी मुझे चाय बनानी है, पोहे बनाने हैं, उनके सैकड़ों सवालों के हंस कर पेशेंस से जवाब देना है ना? और थोड़ा शर्माना है। हाँ हाँ, अच्छा बस बस, ज्यादा ताने मारने की जरूरत नहीं है, ये तो सभी लड़कियों को करना ही पड़ता है बेटा। पता है ना, मांगलिक लड़कियों का ब्याह होना कितना मुश्किल है। जी माते, आप कोशिश करते रहिए। कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना? हाँ, जब तक वो यहाँ से चले नहीं जाते, तो इन चीजों पर बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगी। हे भगवान, एक तो इसका वजन कम नहीं होता, ऊपर से इसे कोई गम भी नहीं होता। मम्मी, मैं मोटी शौक से थोड़ी हूँ, मुझे ना शायद थायराइड का प्रॉब्लम है। हाँ, 10 बार चेक करा चुकी हूँ, निकला कभी वो भी अलग अलग जगह से चेक कराई। तुझे देखते देखते तो बेचारे उस डॉक्टर को थायराइड हो गया है। अरे, रिपोर्ट्स गलत भी तो हो सकती हैं, मेटाबॉलिज्म भी कोई चीज है, मेरा फास्ट हो सकता है। बेटा, मेटाबॉलिज्म का कोई चक्कर वक्कर नहीं है, ये तेरा ना हर वक्त खाने का अटूट प्यार है। देख, खुद को देख, आँख खोलकर, अदरक होती जा रही है। हो तो रही हूँ मम्मा, बस मुझे चाय में मत घिस देना। जब देखो इसको तो मजाक ही सूझता है। 12 लड़के तुझे रिजेक्ट कर चुके हैं। वैसे तो जी सभी मॉडर्न और फॉरवर्ड कहते हैं, पर हर किसी को भारी भरकम नहीं, 0 फिगर दुल्हन चाहिए। मम्मा, कल की ना कल देखी जाएगी, अभी मुझे लग रही है भूख, और मुझे खाने दो। चुप चुप, ओफो, खा ले खा ले, सब खा ले, और कम पड़े ना तो मुझे भी खा लेना, पड़ जाएगी ठंडक। अरे, एक दिन नहीं खाएगी तो कुछ तो कम दिखेगी। मेरे नहीं खाने से क्या गारंटी है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी? कोशिश तो कर मेरी माँ, एक दिन कोशिश तो करके देख। ये लड़की भी ना, खा ले। करो करो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आ जाओ बेटा। आप लोग कहाँ के रहने वाले? हम लोग ऐसे तो भाई साहब दिल्ली से हैं, लेकिन जब इरिका 2 साल की थी ना, तभी से हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गए हैं। अरे बिल्कुल, देखिए हमारे जैसे ही है, हम लोग भी लखनऊ के रहने वाले हैं, 20 साल से यही पोस्टिंग है हमारी, तो हम यही बस गए। जी सही, बहुत अच्छा। जी जी, भाभी जी, ये सचिन है, ये इसी का प्रोफाइल आपने देखा होगा, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ,
80,000 पगार है। जी जी बहुत होनहार है। अब अपने मुंह से क्या कहें हम। भाभी जी आपने इसकी प्रोफाइल तो देखी है, लेकिन अगर आपसे कोई सवाल हो आपके तो आप पूछ सकती हैं। अरे अरे भाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो हमने सब देख ही ली थी। वो तो है। भाभी जी बिटिया नहीं दिखाई दे रही, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो हम लोग मिल लेते। मैं अभी लेकर आती। जी खुश है। अरे वाह चाय तो बहुत अच्छी बनी है। भाभी जी चाय हमें बहुत पसंद है, हम तो कहते हैं चाय पे चर्चा होनी चाहिए। जी जी सही बोल रहे हैं। चाय में शक्कर थोड़ी कम है, हम थोड़ा ज्यादा पीते हैं। हाँ थोड़ी सी हम लोग। भाई साहब आप पोहे लीजिए ना। अरे मेरी रीका इतने अच्छे पोहे बनाती है कि मैं क्या बताऊं। भाई पोहे तो हमारे फेवरेट हैं। लो बेटा। पोहा तो बहुत अच्छा है भाभी, नमक थोड़ा कम खाते हैं तो। अगर आपको कोई एतराज नहीं हो तो लड़का लड़की आपस में एक बार बात कर ले, इन्हीं लोगों के साथ रहना है। हाँ क्यों नहीं। हाँ जा बेटे आप लोग आपस में बात कर लो, एक दूसरे को समझ लो। हे सुनो, ये पोहा मैंने नहीं बनाया, ये घर भी मैंने नहीं सजाया है, ठीक है। अच्छा मम्मा मुझे बता रही थी यू गोइंग टू अमेरिका। व्हाई अमेरिका? मतलब तुम्हें पता है ना वहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते हैं, एक एक काम बर्तन भी खुद मानने पड़ते हैं विद जॉब। चलो एनीवेज वहाँ तक तो बात ही नहीं पहुँचेगी। और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बता के आए हो कि तुम लड़की देखने आए हो? नहीं नहीं बता के आए ना तुम। हेलो कुछ बोलोगे? अब तुम बोलने की इजाज़त दोगी तो बोलूँगा ना। और तुम इतना बोलती हो, तुम्हारा ये मुंह दर्द नहीं होता क्या तुम्हारा? नहीं। और तुम्हें कैसे पता कि मेरी गर्लफ्रेंड है? आजकल सभी कमिटेड टाइप्स ही होते हैं, तुम तो दिखते भी अच्छे हो, जॉब भी अच्छा है, गर्लफ्रेंड तो होगी। तो इसका मतलब तुम भी कमिटेड हो? नहीं मेरा सब अच्छी नहीं है। तो फिर कैसा सीन है? देखो रिका मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ, टाइम नहीं मिलता तो गर्लफ्रेंड कहाँ से पटाऊंगा मैं? ओह तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट स्किल वीक। इट्स ओके आई विल ट्रेन यू फॉर दैट, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी यू नो। राइट। बाय द वे मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, बट क्या करूँ वक्त ही नहीं मिलता। और तुम्हारा? मुझे भी ट्रैवल पसंद है, इनफैक्ट इंडिया इतना बड़ा है, इतनी वैरायटी है, फूड कल्चर लैंग्वेजेस, और फूड तो मेरा फेवरेट है। वो देख के मालूम चल रहा है। व्हाट डू यू मीन? मतलब इनडायरेक्टली तुम मुझे मोटी कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं तुम मुझे डायरेक्टली मोटी बोल सकते हो ऑनेस्टली। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो उस चीज को। नहीं मैंने बिल्कुल ठीक समझा है। छोड़ो ये सब बात छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें अमेरिका से क्यों प्रॉब्लम है? मुझे अमेरिका से प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे इंडिया कुछ ज़्यादा पसंद है। यहाँ ना हम राजा की तरह जीते हैं, और मुझे पर्सनली लगता है कि अब्रॉड बहुत ही ओवररेटेड है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग एक्चुअली मुझे घर के काम बिल्कुल समझ नहीं आते हैं। तो फिर क्या समझ में आते हैं तुम्हें? अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ की गोल क्या है? मेरा लाइफ में एक ही गोल है एवरी डे, कि मेरा कोई गोल नहीं है। आई तो वेट कि भाई आज क्या होगा नया जिंदगी में, दैट इज द एक्साइटमेंट आई लुक फॉरवर्ड टू। जैसे कि आज मेरी 13वीं है, यू नो। 13वीं मतलब? मतलब यू आर द 13th गाय ना जो मुझे देखने आया है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। यार उसे 13वीं नहीं बोलते हैं। इट्स अ बैड जोक। आई एम सो सॉरी। खैर तुम्हारी तो लंबी चौड़ी लिस्ट होगी ना लड़कों की? नहीं नॉट रियली, बस इक्वालिटी में बिलीव करता हो, उसको मेरी फ्रीडम से कोई प्रॉब्लम ना हो, और ऑब्वियसली मेरे जॉब करने से प्रॉब्लम ना हो, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड आई थिंक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, बाकी सब तो मैनेज हो ही जाता है। बाय द वे व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर ब्राइड टू बी से? ब्राइड टू बी से बस मेरी दोस्त हो,
बेबी कम. वाओ, दैट्स अ नाइस थॉट. कैन यू इमेजिन कि वो लोग अभी हमें हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कि हम एक दूसरे को लाइफ टाइम के लिए जान चुके हैं इन 5 मिनट में. ऐसा करते हैं, हम पहले ही चल लेते इससे पहले कि वो हमें बुलाएं. चले या भाई साहब कहीं बाहर गए हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो आउट ऑफ कंट्री है, वह थोड़ा काम से. आ जाओ बेटे, आ जाओ बैठो. चलो अच्छा हुआ तुम दोनों एक दूसरे को समझ लिए. भाभी जी आप बुरा ना मानिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ. देखिए लड़का और लड़की का पैर जम नहीं रहा, लड़की का वजन कुछ ज्यादा है, लगता है समय रहते आपने ध्यान नहीं दिया. होल्ड ऑन अंकल, एक मिनट प्लीज. इससे पहले कि आप मुझे रिजेक्ट करें, मैं आपको रिजेक्ट करती हूँ और मैं आपसे कुछ कहना जरूर चाहूंगी. ये बात सही है कि हर किसी को अपनी दुल्हन में पतली कमर और बाली उम्र की तलाश रहती है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ और ना ही मैं दीपिका और कैटरीना जैसी खूबसूरत हूँ. पर क्या ना अंकल, मैं क्यूट हूँ. मेरे पापा ना मुझे टेडी बेयर बुलाते हैं और उस चीज़ से मुझे बहुत खुशी मिलती है. मैं खुद में खुद से काफ़ी खुश हूँ. और क्या कह रहे थे आप, सॉफ्टवेयर इंजीनियर? मैं इनके मुकाबले ना कॉर्पोरेट में वीपी हूँ और इनसे 4 गुना ज़्यादा कमाती हूँ. मम्मी से पूछ लीजिए, मैंने कभी घमंड नहीं किया. मेरे में प्यार है, इज्जत है, संस्कार भी है. पर क्या है ना, वो 0 फिगर नहीं है. क्या इतनी बड़ी बात है? मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे पहले ना मुझे 12 लड़के रिजेक्ट कर चुके हैं और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है. डैडी, मैं एका से कुछ बोल सकता हूँ? एरिका, शायद तुमको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, एरिका पहले भी रिजेक्ट हो चुकी हो और मैं भी पहले किसी से मिल चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए पहला होना चाहता हूँ. मैं आपके लिए आपसे सेलेक्ट होना चाहता हूँ. आप जैसे भी हैं मुझे वैसे ही पसंद है. आपको पता है आपके सामने आज मैं बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ. एक नई कोशिश करना चाहता हूँ. आप मुझे सेलेक्ट करोगी? आपको दोबारा इंटरव्यू देना है? बिल्कुल.